विज्ञान चीज़ों को प्रमाणित कर स्थायी स्वरूप देने का कार्य करती है, जो समाज के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। आज़ादी के दौर में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी उल्लेखनीय कार्य किए। आज़ादी के अमृत महोत्सव के वर्षों में भी भारत सरकार के विज्ञान प्रसार विभाग विज्ञान को जन जन की भाषा में पहुँचाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उक्त बात ये केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार एवं सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कम वर्कशॉप का पहले दिन रविवार को प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषाओं में शिक्षा देने की बात कही गई। इसी कड़ी को बढ़ावा में विज्ञान प्रसार विभाग भी अहम योगदान निभा रहा है। मातृभाषा में समझने की शक्ति ज्यादा होता है, जिससे विश्लेषण करना आसान हो जाता है। पहले विज्ञान में केवल अनुकरण की जीत है, लेकिन अब नीत नई प्रयोग को काफी बढ़ावा दिया जाता है। पॉलिसी है उसके तहत ये जो स्थानीय भाषाएं हैं उन भाषाओं को महत्व दिया गया। उन भाषाओं को महत्व देने का मतलब सीधा ये है कि सामान्य जन तक जो विज्ञान का प्रसार प्रसार है उसे बढ़ाया जाए और मैथिली की भाषा में इसके साहित्य तैयार किए जाए, उस रूप में इसको दिया जाए। ये महाविद्यालय के लिए, पूरे बिहार के लिए गौरव की बात है कि पहली बार ये योजना प्रारंभ हो रही है मिथिला की धरती पर के लिए और सीएम का हिस्से। सर प्रधानाचार्य को क्या बोलेंगे? धन्यवाद, इनको बहुत सुंदर। इसका उद्देश्य है, ये भारत सरकार की स्वायत्त संस्था जो है विज्ञान प्रसार भारती, उसके द्वारा सीएम साइंस कॉलेज, चूँकि मिथिला का ये जगह है और सरल भाषा मिथिला में विज्ञान की जानकारी विद्यार्थियों को दिया जाए, इसके लिए ये कार्यशाला ओरिएंटेशन कोर्स किया गया था ताकि लोगों को इसे प्रेरित किया जाए। भारत सरकार भी चाहती है कि अपनी भाषाओं में लोग उत्तर पढ़ाई पढ़ें, तो विज्ञान का प्रसार यदि मैथिली में होता है तो लोगों को काफ़ी फायदामंद होगा और ये बहुत ऐतिहासिक चीज़ है जिसको चंद्रधारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय ने शुरुआत किया है। इससे जो आने वाली पीढ़ी जो मिथिला में रहते हुए अपनी भाषाओं को मैंने ऊपर नहीं कर पाते, तो इसलिए इस भाषाओं में यदि पढ़ेंगे तो सरलता से उनके समझ में भी आएगी और वो फिर अन्य भाषाओं में भी इसको लिख सकते हैं। सर इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन तो माननीय कुलपति और निदेशक जो प्रसार भारती के हैं वो सब मिलके सब आदमी ने किया। सर कब तक होना है ये? कल इसका कार्यक्रम का अंतिम दिन है। कितने बजे सर? ये 10:30 बजे से चलेगा, 3 बजे में जाके समापन के लिए कौन? समापन के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को आमंत्रित किया गया है जी सर। और ये प्रभात रंजन जी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, वो DY पाटिल विश्वविद्यालय पुणे के वाइस चांसलर हैं, उनको भी बुलाया गया। थैंक यू।